हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बटर चिकन की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बटर चिकन बनाने के लिए मैं यहाँ 1/2 kg चिकन ली हूँ। इसे अच्छे से धो लेंगे और इसके मैरिनेशन के लिए 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड लहसुन अदरक लेंगे। आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक, 4 बड़ा चम्मच फेटी हुई दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी ले लेंगे। तो इसे चिकन ही मिला देते हैं। लाल मिर्च के साथ साथ आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं, उससे चिकन का कलर और भी अच्छा आता है। पर मेरे पास अभी कश्मीरी मिर्च नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। इसमें एक एक करके सारे मसाले भी मिला देंगे। मिक्स कर देते हैं इसे और इसे हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। तो इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो ढक देते हैं इसे। तो अब चिकन की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 1 मीडियम साइज का प्याज ली हूँ और 2 टमाटर। अगर आपका चिकन 1 kg है तो इसकी क्वान्टिटी आप डबल कर दें। 10 से 12 काजू लेंगे, 6 से 7 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। प्याज और टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें तेज़पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक और लहसुन डाल देंगे। चला देते हैं इसे। प्याज भी डाल देंगे इसमें। प्याज को लाल नहीं करना है तो इसे भी चला देते हैं। काजू भी डाल देंगे। टमाटर और साथ में नमक और लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लेना है। आप चाहें तो सारे खड़े मसालों को बटर में एक साथ डाल के 4 से 5 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लें। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है और प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे। अब इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। चिकन मैरिनेट होते हुए 30 मिनट हो चुका है। तो सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे और साथ में चिकन भी डाल देंगे। चला देते हैं इसे और चिकन को मीडियम फ्लेम पे ढक के 9 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 70 से 80% तक चिकन को अच्छे से कुक कर लेना है। तो कवर कर देंगे इसे। 5 मिनट हो चुका है चिकन को पकते हुए और ये देखिए चिकन से पानी अच्छे से बाहर आ चुका है। तो इसे 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो फिर से कवर कर देंगे इसे। 10 मिनट हो चुका है चिकन को पकते हुए। तो अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और पानी सूखने तक चिकन को पका लेंगे। ये देखिए चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। पर ड्राई होने के बाद चिकन को 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो ये देखिए चिकन अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। इधर मसाला पीस चुका है तो अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे। तो एक बड़ा सा छन्नी लेंगे और उसमें मसाला डाल के चम्मच से हिलाते हुए मसाले को छान लेना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो ग्रेवी के लिए एक स्मूथ सा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं।
कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। आप सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ लो ही रहना चाहिए। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालना मैं भूल गई थी तो मैं बाद में डाली हूँ, पर इससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो अब इसमें मसाला डाल देंगे, चला देते हैं इसे। मसालों को 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए, आधी छोटी चम्मच में हल्दी ऐड कर रही हूँ, इसे भी चला देंगे। मसाला पकते हुए 3 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें चिकन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। और अब चिकन को लो फ्लेम पे ढक के 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। तो कवर कर देते हैं इसे। चिकन पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, मैं इसे बीच बीच में चेक भी की थी। तो अब इसमें मलाई डाल देंगे। तो 3 बड़ा चम्मच इसमें मलाई डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। आप इसकी जगह शहद या चीनी भी डाल सकते हैं, पर टोमेटो सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चला देते हैं इसे और इसे ढककर 5 मिनट और पका लेंगे। कवर कर देते हैं इसे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद तेल मसालों से बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ये बनकर रेडी हो चुका है और चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बटर चिकन बनके रेडी हो चुकी है और ये बाहर के बटर चिकन से कई गुना टेस्टी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर थोड़ी सी बटर और थोड़ी सी मलाई को ऐड कर दें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।